खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अभी शिखर सम्मेलन हुआ था, मैं दोनों को रोक रही हूँ, आवाज कम प्लीज। हाँ, अजय आलू, अभी शिखर सम्मेलन हुआ था एबीपी न्यूज का और उसमें नीतीश कुमार आए थे। नीतीश कुमार ने बहुत साफ किया था कि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसे लेकर हम बीजेपी के साथ कभी नहीं हो सकते हैं। क्या ये बात सच है कि आरएसएस ही बीच में है मुसलमान और बीजेपी के? इज इट ट्रू अजय आलू? देखिए, मेरा ये मानना नहीं है मुसलमान और बीजेपी के बीच में कौन है नहीं है, यह मुसलमानों को तय करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने आपके इंटरव्यू में बड़ा सही जवाब दिया था कि सच्चर कमेटी ने जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि हाँ, मेरी सरकार मुसलमानों के लिए काम नहीं करती है और मेरी सरकार हिंदुओं के लिए भी काम नहीं करती है, मेरी सरकार गुजरात के प्रदेशवासियों के लिए काम करती है। तो ये एक एम्पल क्लियर मैसेज है। अब आप मुझे ये बताइए कैसे कोई विश्वास दिलाए? विश्वास तो खुद ही करना होता है। इस देश का संविधान शुरू से सेकुलर रहा, शुरू से जब से अस्तित्व में आया 51 से लेके 75 तक ना नेहरू जी को, ना इंदिरा जी को, ना लाल बहादुर शास्त्री को सेकुलर शब्द ऐड करने की जरूरत पड़ी। 1975 में इमरजेंसी में ये सेकुलर शब्द ऐड कर दिया गया। क्यों? ठीक है ये रामजादे हरामजादे बोलकर दिखाओ आप। अब मेरी बात एक बात और इमरजेंसी के दौरान, एक मिनट मौलाना साहब, एक मिनट में खत्म कर दूं, फिर बोलिएगा। इमरजेंसी के दौरान आप बोलकर दिखाइए, जबरन नसबंदी करवाई कांग्रेस ने, आप बिहार में ये चीज बोलकर दिखाइए। इमरजेंसी के दौरान आपको चैलेंज करता हूँ, कांग्रेस करवाई, आपको पता चलेगा आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हज यात्रियों का कोटा 2 लाख हो गया तो वो कम्युनल। बिहार में कब्रिस्तानों की घेराबंदी हम करवाए। अरे भाई, आप बिहार में ये चीजें बोल के दिखाइए, बिहार में बीजेपी के मंत्री बोलते हैं, यादव की फौज, आप बोल के दिखाइए ना। अगर हिम्मत है तो कब्रिस्तान गंदे करते रहे, अगर आप वो हो गए सेकुलर, तो बोल के दिखाइए। तो लगातार मौलाना साहब, एक बात बताइए मुझे, क्या बात आप कर रहे हैं? मुसलमानों को समझना पड़ेगा। जब आपका ये सब इसलिए होता है कि मौलाना साहब मुझे ये बताइए, इस स्टूडियो में बैठकर चैलेंज आप कर रहे हैं, आप टेबल ठोक ठोक कर कह रहे हैं कि हिम्मत है तो बोल के दिखाओ, हिम्मत है तो करके दिखाओ। बात कर रही थी, बीजेपी की बात कर रहे, यहाँ से धमकी आप दे रहे हैं और मौलाना रशीद साहब आप कह रहे हैं कि मैं डरा हुआ मुसलमान चाहते हैं। अरे कौन मानेगा कि आप डरे हुए मुसलमान हैं? नहीं नहीं, उन बातों जो भी बात कहते हैं एकदम ताल ठोक के कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं बिल्कुल धमकी की चोट पर कह रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान डरा हुआ है। सिर्फ ये यकीन करेगा आपकी इस बात पर? अजय आलोक से ये पूछिए कि बीजेपी के मंत्रियों ने जो रामजादे हरामजादे बोला है, शमशान कब्रिस्तान बोला, क्या वो ठीक है? आप पूछिए इनसे। अरे तो ऐसे बयानबाजी और नहीं हुई है क्या मौलाना साहब? नहीं ठीक है, बात बीजेपी पर है, ये शमशान कब्रिस्तान पर नहीं है, मुसलमान की बात कांग्रेस पर नहीं है। बिगड़ गई क्या? सवाल आज पूछा आपने, जो सवाल प्राइम मिनिस्टर से किया है, बात उत्तर हो रही है, बहुत सारी बात कांग्रेस की नहीं है, बात समाजवादी की नहीं है, बात आज उस पर है जो सवाल आपने प्राइम मिनिस्टर से किया है। ये इधर उधर क्यों बातें, ये सीधा जवाब क्यों नहीं देते? इनके पास जवाब है ही नहीं। रूबिका जी मुझे आने दी, भागने का रास्ता देखते हैं। दुष्यंत नागर, वैसे आपके प्रवक्ता तो खैर आप भी नहीं है, माफी चाहती हूँ दुष्यंत नागर, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आपकी कमी जो है वो बहुत हद तक मौलाना साहब पूरी कर तो रहे हैं, और इसी तरफ प्रधानमंत्री मैं सच बोल रहा हूँ रूबिका, ये गलत इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही हैं आप। रूबिका जी, मैं अगर